शुक्रवार को घोषित हुए नीट के परिणाम में सिटी के टॉपर रहे इंदौर के राघव उपाध्याय को ऑल इंडिया रैंक में 675वां स्थान मिला है। वहीं शहर में वह 720 में से 680 अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करने की ठान ले तो उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही उदाहरण शहर के राघव बनकर सामने आए हैं, जिन्होंने 720 में से 680 अंक प्राप्त किए हैं। शहर के ही ओम कश्यप ऑल इंडिया 678वीं रैंक पर रहे। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने राघव से खास बातचीत की। आप सिटी टॉपर आए हैं नीट के एग्जाम में, ऑल इंडिया भी रैंक आपकी अच्छी ही रही है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो मतलब ऑब्वियसली मतलब टीचर्स को ही सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने मतलब सिर्फ टीचर्स ना होते, उन्होंने मेंटर्स की तरह मतलब हमें सब कुछ पूरे 2 साल में बताया कि मतलब ये भी करना ज़रूरी है, ये पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, क्या कंटेंट पढ़ना है। उसके अलावा मतलब मम्मी पापा की भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी उनकी तरफ से भी, और बाकी थोड़ा श्रेय मैं खुद को भी देना चाहूँगा क्योंकि मैंने 2 साल काफ़ी मेहनत की। मतलब परिवार का भी सहयोग रहा, टीचर का भी अच्छा सहयोग रहा। हाँ, कितनी चुनौतियाँ आती है, मतलब इतने नंबर गेन करना, क्या समस्याएं आती हैं आपको इस पर इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने में? समस्याएं तो मतलब कुछ भी नहीं होती हैं, समस्याएं नहीं है, मतलब बस उसमें ये चीज़ होती है कि नीट में आपको ओवरऑल जो पेपर मिलता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं। तो आप ईजी जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब उनके लिए आपको थोड़ा अपना कंटेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, और उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना पड़ता है। जो थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं कुछ उनके लिए आपको मेनली ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, अगर थोड़ी अच्छी रैंक के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या सिलेबस प्लान करते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव कर सकें? स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि शुरुआत में 11th क्लास से ही मतलब 11th और 12th का कोर्स आता है नीट में, तो 11th क्लास से ही जब आपको पढ़ाना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे मतलब जैसे जो जो क्लास के साथ चल रहा है बस वो चलते जाना, मतलब चलने देना चाहिए अच्छे से, और जो टीचर लोग होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को बस सही से कर लेना चाहिए टाइम पे, उतना काफ़ी होता है उस टॉपिक को उस समय के लिए अच्छा करने के लिए। बाकी लेकिन जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो कोर्स जैसे लगभग अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में आपको मिलते हैं 3 से 4 महीने जिसमें कि आप उसी को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने जो वो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये डिसाइड करने में कि आपके वो टॉपिक्स फाइनली कितने अच्छे होंगे, क्योंकि एट लास्ट आपने उनको कितने अच्छे से पढ़ा है खुद वही मैटर करता है। जैसे कोरोना काल एक भयंकर स्थिति बनी, स्कूल बंद हुए, कोचिंग संस्थान बंद हुए, तो क्या समस्याएं आईं कोरोना काल में, आपने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे रखा, क्या कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई कोरोना समय में? मेरे को मतलब कोरोना से रिलेटेड तो ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं पढ़ाई के टाइम पे, ये था कि मैं पहले हॉस्टल में पढ़ा करता था और मेरे साथ में मतलब चीज़ थी कि मेरी पढ़ाई हॉस्टल में थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, तो मेरे को घर आना पड़ा बस, मुझे उसके अलावा कोई और डाउनसाइड नहीं दिखती है उसकी, क्योंकि मतलब मुझे तो वैसे भी नहीं निकलना था घर से निकलने का मेरा कुछ कारण पड़ता भी नहीं, तो मैं बस जैसे हॉस्टल में पढ़ रहा था वैसे यहाँ पे पढ़ता था। बस हॉस्टल में ये फ़ायदा रहता था कि टीचर्स वहीं पे आके थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देते थे, तो और कभी कभी जो क्लासेस लगती थी रिविजन की वो वहीं पर हो जाती थी, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन वे में हो गया बस, और टीचरों से बातचीत कर लेता था और पूरा समय का सदुपयोग किया। आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से क्या टारगेट अभी अचीव करना है आपको? आगे की प्लानिंग तो यही है कि अभी मैं MBBS करूँगा, जब काउंसलिंग होगी तो कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा मुझे और मैं उस कॉलेज में जाके MBBS करूँगा, फिर PG होगा, PG में मतलब मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, मेरा पहले से थोड़ा सा ऐसा है तो मैं उसको परस्यू करूँगा। जैसे आपके भी एज ग्रुप के बहुत बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे नीट परीक्षा की, आगे की तैयारी भी कर रहे हैं और करेंगे भी, उनको क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें और एक अच्छे टारगेट तक पहुँच सके? टिप्स में तो मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब स्टार्टिंग होती है हर चीज़ की तब तो हर बच्चा एंथुजियास्टिक होता ही, उसको पता है कि मेरे को ये भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कोई लोग कुछ कुछ लोग अपनी स्पिरिट लूज़ कर देते हैं या थोड़े अगर पीछे हो गए कोचिंग वगैरह में तो उससे थोड़ा डिसहार्टन हो जाता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आखिरी तक भी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, जो खुद का रिविजन है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब कोर्स ख़त्म हो जाता है 11th में भी और 12th में भी वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, वही डिसाइड करता है कि आप कितनी अच्छी रैंक ला सकते हो या कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बताइए सर, कितनी खुशी होती है जब आपका बालक
सिटी टॉपर बनता है और ऑल इंडिया रैंक भी अच्छी लाता है, कि कितना सहयोग घर की परिस्थितियों से बनता है इसमें? इसमें घर की परिस्थितियों का सहयोग भी बहुत रहता है। हमको घर में हेल्दी और एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। दूसरी बात जो खुशी की कही आपने, ये खुशी ज़बरदस्त खुशी होती है, क्योंकि बच्चे के पढ़ने के साथ साथ मदर फादर भी अपना एक डिवोशन उसके साथ में लगा के रखते हैं, और जब उसका फल मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। वही खुशी हमें आज मिली है जबकि बेटे ने सिटी में टॉप किया है। मैडम, जैसे घर के भी जिम्मेदारियों को संभालना और फिर बच्चों के भी पढ़ाई पर ध्यान देना, कितना किस प्रकार से आप सहयोग बिठाती हैं? आप घर के भी कामों पे ध्यान देना, बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना, क्या किस प्रकार से देखते हैं? हमेशा प्राथमिकता बच्चे का जो 11th 12th का जो पीरियड है लाइफ में, उसके लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन 2 सालों के लिए घर के कामों से ज़्यादा प्राथमिकता बच्चे के करियर को देना प्रेफर करते हैं, और हमने भी यही किया। इस दौरान स्कूल से संबंधित या कोचिंग से संबंधित या किसी किताबों से संबंधित उसको जो भी परेशानी आती थी, उसको बिना बताए बहुत कुछ हम अपने लेवल पर ही सॉल्व कर लेते थे, तो उसके लिए इजी गोइंग हो जाती थी बहुत सारी चीज़ें। आगे की क्या प्लानिंग है, कि इनको किस स्तर तक अभी और ऊपर पहुंचाना है, क्या कुछ टारगेट आप लोगों ने सोच के रखा होगा? अब ये जो लाइन है मेडिकल की, इस लाइन का चयन जो है उसका खुद का डिसीजन है। हमारे परिवार में डॉक्टर कोई भी नहीं है, तो उसकी इच्छा है सर्जन बनने की, न्यूरो सर्जन बनने की, और वो अपनी प्रतिभा के बल पर जितना आगे बढ़ना चाहे हम उसमें हमेशा सहयोग करेंगे। सर, जैसे स्कूली शिक्षा होती है, कोचिंग संस्थान से जो सहयोग मिलता है वो तो एक रहता है, लेकिन परिवार से एक जो शिक्षा का माहौल मिलता है, माता पिता से एक जो विचार मिलते हैं और स्वभाव मिलता है, उसमें कितना योगदान रहता है बच्चों की पढ़ाई पर? निश्चित रूप से परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और अगर परिवार के लोग खुद भी पढ़े लिखे हों तो बच्चों की परेशानी को ठीक से समझ पाते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं। मेरे हम लोगों के साथ में एक बात अच्छी रही, क्योंकि वाइफ कॉलेज में प्रोफेसर है, तो इसने इसकी बेटे की परेशानियों को बहुत अच्छे से समझा कि इनकी तैयारी में क्या परेशानियां आती है, और इसलिए इसने वाइफ ने पूरी तरह से इसकी पढ़ाई में काफ़ी मदद की। मैं सिर्फ अपने पार्ट पे यही कर पाता था कि जब ये इसके नंबर कम आने पर थोड़ा सा डिसहार्टन होता था, तो मैं इसका मोरल अप जरूर करने में मदद करता था। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।